Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 42. I'm Dr. Parvez Ahmed. In this lecture, we will discuss about the motional EMF. So, आइए आज के lecture की तरफ चलते हैं. An EMF is induced in a conductor moving in a magnetic field. जिस तरह से हम पहले lecture में discuss करते आ रहे हैं कि EMF कैसे generate होती है. और फिर थोड़ा बहुत जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था स्पेशल टाइप ऑफ ईएमएफ के, जिसको हमने कहा था कि मोशनल ईएमएफ. ठीक है, सो ऐसे अभी इस मोशनल ईएमएफ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके लिए स्पेशल जो केसेस है उन स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मतलब जो मोशनल ईएमएफ है वो किन किन कंडीशंस में या किन किन प्रोसेस से हम इसको जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत ईएमएफ के बारे में कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कि ईएमएफ नॉर्मली एक कंडक्टर में उस वक्त इंड्यूस होता है जब हम उसी कंडक्टर को इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं. मतलब अगर हमारे पास एक कंडक्टर हो और उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, सो इसकी वजह से उसमें ईएमएफ वो इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो इन द लास्ट लेक्चर यू लर्न अबाउट टू एग्जांपल ऑफ मोशनल ईएमएफ. जो लास्ट हमारा लेक्चर था या जो उसमें जो एग्जांपल थे उसी एग्जांपल में आप लोगों ने मतलब मोशनल ईएमएफ के बारे में वो स्टडी किया. ठीक है, अब हम थोड़ा सा मज़ीद कुछ एग्जांपल्स वो स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे पास जो मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है या ईएमएफ है वो कैसे जनरेट होता है. सो केस नंबर फर्स्ट, फ्लक्स चेंजेस थ्रू ए कंडक्टिंग लूप प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ. ठीक है, कि ईएमएफ की प्रोडक्शन का एक तरीका जो है कि हमारे पास क्या हो, फ्लक्स चेंज की वजह से भी हमारे पास जो ईएमएफ है वो जनरेट होती है. फ्लक्स कैसे चेंज होगा, कि हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और उस कंडक्टिंग लूप में उस कंडक्टिंग लूप को अगर हम क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम अगर रोटेट करते हैं, सो उस रोटेटिंग की वजह से क्या होगा, उसी लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और इसी फ्लक्स चेंज की वजह से हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब जो इक्वेशन हमारे पास फॉलो होगी दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दैट इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, और इसी सिचुएशन में जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बात भी की कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, वी हैव एन नंबर ऑफ लूप एंड दे आर बीन रोटेटिंग थ्रू अ सर्टेन एंगल थीटा. कि जो एरिया लूप है वो एरिया हमारे पास क्या कर रहा है, एक सर्टेन एंगल के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही हो, जिस तरह के इस फिगर में आप देख सकते हैं. सो इसके लिए फिर हमारे पास रिलेशंस है फॉर द इंड्यूस ईएमएफ, एंड द इंड्यूस ईएमएफ इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज गिवन बाय एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उसकी रिलेशन है. सिमिलरली इस पर्टिकुलर कंडीशंस में हमने रिलेशन को डिराइव किया था कि हमारे पास जो करंट होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट इज एन इज इक्वल आई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर. और इसी तरह हमने पावर को भी जो पावर जनरेट होगा इसी प्रोसेस के अंदर जिस तरह के मतलब हमने इसको कैटेगराइज किया है, इसी प्रोसेस के अंदर जो पावर जनरेट होगा दैट वी डिनोट बाय फी एन इज गिवन बाय आई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो ये हमारे पास पहला प्रिंसिपल है कि फ्लक्स चेंज की वजह से अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और उसमें फ्लक्स चेंज होता है तो उसके रिजल्ट या उसके नतीजे में भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट होगा. दूसरी केस हमारे पास है कि फ्लक्स चेंज थ्रू अ कंडक्टिंग लूप प्रोड्यूसिंग ईएमएफ. उसमें हमारे पास है कि एक्सपेंडिंग लूप, एक लूप है ठीक है, और उस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है, यह हमारे पास क्या है, ये लूप है, एक यू शेप कंडक्टर है और यू शेप कंडक्टर के ऊपर हमने एक कंडक्टिंग रॉड को रखा है
और उस रॉड को जब हम मूव करते हैं तो उस मोमेंट्स की वजह से जो एरिया है उस एरिया को हम एक्सपेंड करते हैं। तो जब एरिया एक्सपेंड होती है तो फ्लक्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट यूनिट एरिया और फॉर एनिट एरिया इट्स बीन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज की वजह से भी हमारे पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट होगी। सो अगेन वही हमारे पास जो बेसिक रिलेशन है फॉर द इंड्यूस ईएमएफ दैट इज गिवन बाय माइनस डी पाई बाय डी टी। और जब हम स्पेशल केस को कंसिडर करेंगे जिस तरह के ये है जिसको लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस भी किया था कि हमने कहा था कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड हो और वो एक यू शेप कंडक्टिंग के ऊपर हम उसको स्लाइड कर रहे हो टुवर्ड द राइट। तो उस केस में हमने कहा था कि दिस कंडक्टर विल बी एक्टिंग ऑन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ए मैग्नेटिक फोर्स। और ये कंडक्टर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। और ये कंडक्टर जब इस हमको मूव करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रही है और दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी, उसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। और इसी के बारे में हमने कहा था कि अंडर स्पेशल कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय बी एल वी। और करंट की कैलकुलेशंस, करंट को हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड दैट वाज गिवन बाय बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। और सिमिलरली इसी तरीके से हमने पावर को भी कैलकुलेट किया था एंड पावर वाज गिवन बाय एफ डॉट सी व्हेन वी पुट द वैल्यूज इट्स इक्वल टू आई एल बी वी। तो ये हमारे पास रिलेशन थी ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ द करंट एंड द पावर जनरेटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो आज के लेक्चर में हम मजीद दो प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे हमारे पास क्या होगा, जिससे हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट होता है। सो दैट इज द केस नंबर थर्ड के वी हैव अ कंडक्टर एंड दैट कंडक्टर मूविंग एन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस एन ईएमएफ, ठीक है। कि हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। सो हम कहते हैं कि व्हेन इट मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड सो इट एक्सपीरियंस एन ईएमएफ, कि ये मोशन के साथ ही ईएमएफ वो एक्सपीरियंस करता है। सो दैट दैट वी कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। जिस तरह हमने कहा था एक केस डिस्कस की थी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और उस पे मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग जब हम ये सेक्शन स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये वाली जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली सेक्शन में, तो हमने कहा था कि टोटल फोर्स जिसको हम लोरेंट फोर्स भी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू एन टू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हमारे पास टोटल फोर्स है, ठीक है। और हमने कहा था कि हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज गिवन बाय ई एल, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम द डिस्टेंस, ठीक है, और द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास रिलेशन थी उसके लिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए सिंपल रिलेशन है। सो सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द ई एम एफ अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशंस। जब हमारे पास ये कंडीशंस हो कि हमारे पास एक कंडक्टर हो और वो कंडक्टर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस करेगा ई एम एफ को, ठीक है। पहले वाले केस से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। पहले वाले केस में हमने यू शेप कंडक्टर को रहा था और उस कंडक्टर के ऊपर हमने दूसरा ये कंडक्टिंग रॉड रखा था। तो यहाँ पर हमने जस्ट ये किया हुआ है कि वो जो कंडक्टिंग रॉड है वो जो यू शेप कंडक्टिंग रॉड है उसको रिमूव किया है और हमने वैसे ही सारी कैलकुलेशंस वो की है। तो इस केस में हमारे पास जो ई एम एफ होगा दैट इज इक्वल टू पी एल वी। अब जो चौथी केस हमारे पास है कि फ्लक्स चेंज थ्रू अ कंडक्टिंग लूप प्रोड्यूसिंग एन ई एम एफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग लूप है और वो कंडक्टिंग लूप उसमें से फ्लक्स चेंज की वजह से वो उस कंडक्टिंग लूप को अगर हम मूव कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें से फ्लक्स चेंज होता है और उसी चेंज की वजह से भी हमारे पास क्या है जो ईएमएफ है वो जनरेट होती है, ठीक है।
मतलब दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और उस कंडक्टिंग लूप को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उसी मोशंस की वजह से मतलब फ्लक्स चेंज होता है और उसी फ्लक्स चेंज की वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट हो जाती है। स्टार्टिंग इक्वेशन हमारे पास ये है और जो डेरिवेटिव्स है इसी इक्वेशन से हमारे पास जो डेरिवेटिव्स आते हैं दैट इज गिवन बाय ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। अगेन इसके लिए अगर हम करंट को फाइंड आउट करें सो करंट इज गिवन बाय पी एल वी डिवाइड बाय आर एंड पावर इज इक्वल टू आई एल बी वी, ऑलमोस्ट द सेम जस्ट लाइक फॉर द प्रीवियस केस। ठीक है, तो अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थ्री दैट इज आप मोशन ई एम एफ मूविंग कंडक्टर एंड द बी फील्ड, जिसको हमने आई थिंक पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, सो दैट इज द कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट फ्यू स्लाइड। सिमिलरली वी हैव एग्जाम्पल नंबर फोर ऑफ मोशन ई एम एफ फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कंडक्टिंग लूप एंटायर लूप इज मूविंग। सो लेट्स वर्क आउट दीज टू एग्जाम्पल नाउ, थोड़ा बहुत इनके मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम्पल हमने इवेलुएट किए थे पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर थ्री के बारे में जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है मोशन ई एम एफ दैट इज वी हैव अ कंडक्टर्स मूविंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मोशन ई एम एफ इज द ई एम एफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ई एम एफ से हमारा मुराद वो इंड्यूस ई एम एफ है जो कि एक कंडक्टर्स की मोशंस की वजह से वो पैदा होती है। और कंडक्शन की मोशन कहाँ पर होती है, कंडक्टर की जो मोशन है वो होती है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मतलब है कि हमारे पास एक कंडक्टर हो और वो कंडक्टर क्या करे, वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा हो, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, सो एफ ए कंडक्टर जिस तरह के आपको इस पर्पल कलर में ये दिख रहा है, ये हमारे पास वो टिपिकल कंडक्टर है मूव्स विद स्पीड वी एन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पर स्पीड है वी एन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स एंड द बार एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, सो इस बार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये पर्पल कलर इसको शो कर रहा है, और उसको हम वेलोसिटी वी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम मूव कर रहे हैं। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी दैट वी से इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। ठीक है, और पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अप, सो द टॉप एंड ऑफ द बार इक्वायर ए नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं कि द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो द टॉप एंड ऑफ द बार इक्वायर नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो टॉप एंड है ये वाला एंड है ये क्या है, इसकी जो नेट नेगेटिव चार्ज जो नेट चार्ज होगी दैट विल बी नेगेटिव एंड द बॉटम एंड ऑफ द बार इक्वायर ए नेट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये जो बॉटम एंड है दैट विल इक्वायर ए नेट पॉजिटिव चार्ज और ये जो ऊपर वाला है दैट विल इक्वायर ए नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट, आप लोगों ने इसको देख लिया कैसे हमने एनिमेशन के थ्रू इसको शो कर दिया कि कैसे ऊपर नेगेटिव और डाउनवर्ड हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज वो होगी। सो द सेपरेटेड चार्जेस इन द बार, ये जो सेपरेटेड चार्जेस है द सेपरेटेड चार्जेस इन द बार प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अप द बार। ठीक है, जो कि अप उसके अंदर वो मूव कर रहा है। सो द ई एम एफ अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बार इज गिवन बाय इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई एल दैट इज ई एम एफ इज इक्वल टू ई एल। जो ई एम एफ यहाँ पर वो जनरेट हो रही है तो वो हमारे पास बराबर है इसी रिलेशंस के। ठीक है, एंड सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये जो मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर रहा है, एग्जर्ट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे एक डाउनवर्ड फोर्स वो एग्जर्ट कर रहे हैं एंड विच इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई विच इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई। ठीक है, so an equilibrium condition is reached where the magnetic and the electric forces are equal in magnitude
इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे मतलब यहाँ पर इसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर रही होती है, हत्ता कि हमारे पास एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर हम कहते हैं कि दोनों फोर्सेस मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाते हैं, बट अपोजिट एंड डायरेक्शन। सो वी कैन राइट ई वी बी इज इक्वल टू ई ई, दैट इज इक्वल टू ई ई एम एफ डिवाइडेड बाय आइदर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर क्वान्टिटीज वेन यू कैंसिल दैट आउट, सो वी लेफ्ट विथ ई एम एफ इज इक्वल टू बी एल वी। तो इसी केस में हमारे पास जो ई एम एफ है वो हमारे पास बराबर है बी एल वी के। एग्जाम्पल नंबर फोर जो हमारे पास है कि एग्जाम्पल नंबर फोर में वी हैव मोशनल ई एम एफ, ठीक है। सो फ्लक्स चेंजिंग थ्रू द कंडक्टिंग लूप, दैट इज एंटायर लूप इज मूविंग। हमारे पास एग्जाम्पल की सिचुएशन ऐसी है कि एक लूप है और वो टोटल जो लूप है वो क्या है, वो एक फील्ड के अंदर हम उसको मूव कर रहे हैं। सो इसकी वजह से, मोशन की वजह से क्या होता है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी फ्लक्स चेंज की वजह से हमारे पास मोशनल ई एम एफ वो जनरेट हो रही है, ठीक है। सो आई विल इंक्लूड सम नंबर विद दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर इसमें हम चंद नंबर जो है ना वो इंक्लूड करेंगे। दैट इज यहाँ पर थोड़ी सी हम वैल्यूज थोड़ी सी मैथमेटिकल वैल्यूज पुट अप करेंगे। और एग्जाम्पल हमारे पास कुछ यूँ है कि स्क्वायर कॉयल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर यू कैन सी इट हेयर, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन इज एंड टू द पेपर, ठीक है, डायरेक्टेड एंड टू द पेपर। और ये हमारे पास स्क्वायर कॉयल है, साइड ईस्ट साइड की जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंटेन 100 लूप, नंबर ऑफ एंड जो है दैट इज 100 लूप, एंड इस पोजिशन पर पेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म 0.6 टेक्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर फील्ड की मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 0.6 टेस्ला। इट इज क्विकली एंड यूनिफॉर्मली पुल फ्रॉम द फील्ड दैट इज मूविंग फॉर पेंडिकुलर टू बी, ठीक है, टू अ रीजन वेयर द फील्ड ड्रॉप एब्रप्टली टू जीरो। इट टेक्स 0.10 सेकेंड्स टू रिमूव द कॉइल हूज रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन है, चीज़ें गिवन है, ठीक है। सो हमने कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ चीज़ों को हमने वो फाइंड आउट करना है, मतलब मोशनल ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट सिचुएशन हमारे पास क्या है कि हम स्क्वायर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा है, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है, और हमारे पास जो लूप है उसकी जो साइड लेंथ है इट्स आल्सो गिवन, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली दे वांट फ्रॉम अस, दे वांट अस टू फाइंड द चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ठीक है। हमसे ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वी हैव टू फाइंड द चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है। हम चेंज इन फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट वी से वी हैव द इनिशियल फ्लक्स दैट इज पाई बी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल लॉन्ग क्लोज पाथ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स दैट इज बी एफ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फाइनल जब लूप इधर आ जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज नो फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द लूप, सो ऑटोमेटिकली द फ्लक्स इज जीरो। फ्लक्स हमारे पास क्या है, फ्लक्स हमारे पास वो जीरो है, ठीक है। सो डेल्टा पाई बी दैट इज इक्वल टू द फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस बी ए। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू गिवन है 0.6 टेस्ला और ए की जो वैल्यू है 0.05 मीटर होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करें, सो दैट इज इक्वल टू -1.5 × 10⁻³ वेबर के, ये हमारे पास बराबर है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। इन द सेकेंड स्टेज दे वॉन्ट अस टू कैलकुलेट फाइंड द करंट एंड ई एम एफ इंड्यूस, ये हमें चाहते हैं कि हम क्या करें, फाइंड वो करें फाइंड द करंट एंड ई एम एफ इंड्यूस, कि हम करंट को फाइंड आउट करें और जो ई एम एफ इंड्यूस है उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन ये बन रही है, ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशंस है और ये हमारे पास इसकी फाइनल कंडीशंस है, ठीक है। सो द करंट मस्ट फ्लो क्लॉक वाइज टू इंड्यूस एन एनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच रिप्लेसेस द रिमूव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट हमारे पास क्या होगी, करंट मस्ट फ्लो क्लॉक वाइज, इसी सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास है कि हमने कहा फील्ड इज डायरेक्टली एंड टू द फील्ड, ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशन है।
फाइनली जब हम इसको रिमूव करते हैं, सो वी से द करंट मस्ट फ्लो क्लॉकवाइज टू इंड्यूस एन एनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो एनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी उसी तरह होगी जो कि हमारे पास जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट के रिप्लेस द रिमूव मैग्नेटिक फील्ड, कि ये रिमूव जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये रिप्लेस करेगा। अब इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंड्यूस ईएमएफ वी विल यूटिलाइज द फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी पाई बाय डी टी, विच इज इक्वल टू माइनस एन, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, दैट इज डी बी ए डिवाइड बाई डी टी। हम कह रहे हैं कि द चेंज इन द फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एरिया, सो दैट्स वाई वी हैव पुट द डिफरेंशियल ऑन द एरिया, ठीक है। सो यहाँ पर आप वेरी वैल्यूज पुट करें, ठीक है, के डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी हमारे पास क्या है, डी ई बाई डी टी इज बेसिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल टू एल एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। इसको आप इवेल्युएट करें, सो दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एल वी, ये हमारे पास एल वी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। सो इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें, इधर वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की जगह पर ये वैल्यू इधर पुट करें, सो जो इंड्यूस ई एम एफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ई एम एफ दैट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड माइनस एन बी एल वी के, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं कि इट्स बीन यूनिफॉर्मली फुल्ड, सो फिर हमारे पास जो वी की वैल्यू है, वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.5 सेकेंड, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज आप पुट करें, मुख्तलिफ कुछ वैल्यूज हमारे पास गेवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इज गेवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गेवन, हमारे पास जो लेंथ है दैट इज गेवन 0.05 मीटर, एंड टू जो वी की वैल्यू है हमने इधर कैलकुलेट की दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। जब आप वैल्यू पुट करते हो, सो वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ विच इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ये हमारे पास वो वैल्यू होगी इंड्यूस ईएमएफ की। सो विद दैट यू कैन कैलकुलेट द इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट हमारे पास रिलेशन है बाय ओम लॉ, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट, सो वी गेट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास जो इंड्यूस करंट है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एट नंबर थर्ड, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द कॉयल, ठीक है। सो यू नो दैट टू कैलकुलेट द डिसिपेटेड एनर्जी इन द कॉयल, यू नो दैट करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द टाइम फ्लक्स चेंजेस, कि करंट सिर्फ उसी टाइम वो हमारे पास होती है कि जिस वक्त हमारे पास मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है या फ्लक्स चेंज हो रही होती है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी से दैट द वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय द टाइम, ठीक है। सो दैट वी से इज इक्वल टू आई आई स्क्वेयर आर टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, सो दैट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻³ जूल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज बीन डिसिपेटेड, ठीक है। सो देन डिस्कस द फोर्सेज इन्वॉल्व इन द एग्जांपल, एग्जांपल जो फोर्सेज इन्वॉल्व है उसके बारे में बताए। सो द लूप हैज टू बी फोल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर इज अ फुलिंग फोर्स विच डज वर्क, ठीक है। मतलब लूप पे हम जो फोर्स कर रहे हैं उसको पुल कर रहे हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो एक हमारे पास द फुलिंग फोर्स है जो कि उस पर वर्क कर रहा है, और द फुलिंग फोर्स इज अपोज बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट फ्लोइंग एंड द वायर, ठीक है। दूसरी जो फोर्स है जो कि फुलिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है, एंड दैट इज द फोर्स वी कॉल द मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का करंट फ्लो की वजह से मतलब वो इराज हो रही है, और वो जो है जो कंडक्टिंग वायर है इसकी मोशन को अपोज करती है। सो एफ द लूप इज पुल यूनिफॉर्मली आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, so in that condition we will have no accelerations and the pulling and magnetic forces are equal and magnitude and opposite and direction. तो ये हमारे पास इन दोनों जो forces इनकी situation होगी कि दोनों जो pulling force है और जो magnetic force है they will be equal in magnitude but opposite will be opposite in the directions.
So the flux change occurs only when the coil is in the process of leaving the regions of the magnetic field. ठीक है, तो flux change हमारे पास सिर्फ उसी conditions में होती है जबकि जो coil है वो ऐसी condition में हो जिसमें हम कहते हैं कि वो magnetic field को छोड़ रही है. So just like you can see it here in this particular figure. So if हमारे पास अगर हम कहते हैं कि no flux change, so it would mean that no EMF. ठीक है, so which will other word mean no current, and which will in other case will have no work. Okay, if you ask why, so isi why ka answer dene ke liye you know that first of all you should know, you should consult the equations. Jo basic equations humne padhe isi equations pe aap concern kare, so aap us pe gaur kare ke kaise matlab ye no why we have the no and hamare paas ye no ka example wo kyon aa raha hai. ठीक है, दैट इज यू नो द आई मीन यू हैव द अप्लाइड फील्ड, सो फ्लक्स चेंजेस इंड्यूस ईएमएफ इज इंड्यूस, करंट फ्लोस एंड वर्क इज डन. ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, नो फ्लक्स चेंज, सो नो ईएमएफ, नो करंट. यहाँ पर हमारे पास देखे कोई फ्लक्स नहीं है. व्हाई नो फ्लक्स? बिकॉज हेयर वी हैव नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, सो नो फ्लक्स चेंज है. नो फ्लक्स चेंज है तो हमारे पास नो ईएमएफ है. नो ईएमएफ, सो नो करंट. नो करंट, सो नो वर्क. ठीक है, लास्ट सेक्शन जो हमारे पास है कि कैलकुलेट द फोर्स नेसेसरी टू पुल द कॉइल फ्रॉम द फील्ड. उस पुलिंग फोर्स को हम कैलकुलेट करें जो कि लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ खींचती है और जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है. So remember that a force is needed only when the coil is partially in the field region. ठीक है, कि force हमें उस वक्त में रिक्वायर होती है जब ये लूप हो और वो पार्शली फील्ड के अंदर हो. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस यू कैन सी द सिचुएशंस कि जिस तरह सिचुएशन आपको लग रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज गिवन बाय एन आई एल क्रॉस बी. ठीक है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाय एन, हमने एन को मल्टीप्लाई किया हुआ है बिकॉज देयर आर एन लूप इन द कॉइल. ठीक है, और वेयर एल इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई. एल जो है क्या है, इज अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आई हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द फील्ड रीजन. ठीक है, सो ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास कंडीशंस है. सो यहाँ पर हम देखें कि एल फोर जो लेंथ फोर है दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर और जो रीजन्स है, बाकी दो रीजन्स है वो हमारे पास क्या है, एक रीजन वो कम्प्लीटली आउट है, बाकी तीन रीजन दे आर बीन इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो वहाँ पर हमारे पास वो फोर्स है, वी हैव फोर्सेस वन एफ वन एफ टू एफ थ्री. ठीक है, अक्रॉस लेंथ वन लेंथ टू एंड लेंथ थ्री. So there must be a pulling force to the right to overcome the net magnetic force to the left. ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट पे फोर्स इधर कर रही है. सो यहाँ पर देखे ऊपर वाली फोर्स एफ वन एंड फोर्स एफ थ्री, दे आर अपोजिट डायरेक्शन, सो दे बैलेंस ईच अदर. अब यहाँ पर टूअर्ड द लेफ्ट वी हैव फोर्स एफ टू, सो टू बैलेंस दिस सिचुएशन वी शुड हैव फोर्स इन द राइट हैंड डायरेक्शन, दैट वी कॉल द पुलिंग फोर्स टू बैलेंस दिस सिचुएशन. ठीक है, so that's why we are saying that there must be a pulling force to the right to overcome the net magnetic force to the left. okay, left pe jo net magnetic force hai usko overcome karne ke liye hamare paas right pe pulling force ka hona zaruri hai taki usko balance kiya ja sake. okay, so magnitude only direction shown in the diagram. yahan par humne kya kiya hua hai, there must be a pulling force to the right to overcome the net magnetic force to the left. okay, direction is shown in the diagram. jo magnitude yahan par humne jo magnitude hai jo jo yahan par jo values hai is equations ke andar humne yahan par iski value ko wo show kiya hua hai. theek hai, aur iski jo directions hai in forces ki jo directions hai that is been given by अच्छा ये हमारे पास सिचुएशंस है कि हमने कहा था कि कैलकुलेशंस ये हमारे पास सिचुएशंस है सॉरी कि देयर मस्ट बी अ पुलिंग फोर्स. ये सिचुएशंस है कि
अपवर्ड वी हैव फोर्स एफ थ्री, डाउनवर्ड फोर्स एफ वन, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एफ टू है, सो इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए अब वी आर सेइंग दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड दैट वी कॉल अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे उसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे पुलिंग फोर्स का होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमें जो मतलब ये वाली जो रिलेशंस है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है, और डायरेक्शन जो है दैट इज़ बीन शोन हेयर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, डायरेक्शन इसकी इस डायग्राम में मतलब है यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ओनली, इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ बीन गिवन इन द डायग्राम। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास रिलेशन है एन आई एल बी, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है, आप इसमें वैल्यू पुट करते हो फोर, सो यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज 4.5 10 रेज टू पावर माइनस 2 एंड न्यूटन, सो दैट शुड बी इक्वल टू द पुलिंग फोर्स। ठीक है, यह इस मतलब यह हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, सो इसी मिकदार में या इसी मैग्नीट्यूड में आप अगर पुलिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो तभी ये फोर्स हमारे पास वो इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस कैलकुलेशन अज्यूम द कॉइल इज पुल आउट यूनिफॉर्मली दैट इज नो एक्सेलरेशन, सो द पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, के मतलब एक यूनिफॉर्म फोर्स के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। सो यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब है कि देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो पुलिंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द पुलिंग फोर्स डॉट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो विच वी हैव एन आई एल बी आई यूनिट वैक्टर डॉट एल आई। ठीक है, सो यू पुट द वैल्यूज, हम वैल्यूज को पुट करते हैं, सो द वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 2.25 इन 10 रेज टू पावर माइनस 3 जूल। ठीक है, सो द वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द कॉइल। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू एंड डिसिपेटेड इन द कॉइल, ये जो वर्क डन है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू, ये हमारे पास क्या है, फॉल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू एंड डिसिपेटेड इन द कॉइल, कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या करते हैं कॉइल को प्रोवाइड करते हैं या उसके अंदर ये डिसिपेट होती है, ये इसी अमाउंट के ये जो अमाउंट है इसी अमाउंट के ये हमारे पास वो बराबर है। ठीक है, सो हैंडी हैंडी हैंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज डिबगिंग योर होम ग्रेट, डिबगिंग योर होम मेड जनरेटर। ठीक है, एक मतलब हैंड से हमारे पास कि आप क्या करें, डिबगिंग करें योर होम मेड जनरेटर की, सो इफ यू बिल्ड अ जनरेटर एंड इट डजेंट सीम टू बी वर्किंग। ठीक है, और इफ यू वांट टू टेस्ट अ वॉल साके टू सी इफ इट इज लाइव। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली यू न्यू सैम्पली परचेज अ वॉल इज प्लग डॉक्टर अडॉप्टर फ्रॉम थैंक ग्रीक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो जिस तरह आप लोगों को बाकी चीज़ें दी गई है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू वॉन्ट ट्राई दिस बाई योर सेल्फ। ठीक है, इट माइट बी क्वाइट डेंजरस। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन बाय बाय।